Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले राजद लगा है। पार्टी के 5 MLC ने मंगलवार को जदयू का दामन थाम लिया है। इनमें राधा चरण सेठ, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, कमरे आलम और दिलीप राय का नाम शामिल है। राज्य में 9 सीट के लिए 6 जुलाई को विधान परिषद के चुनाव होने हैं। इससे पहले राजद में यह टूट तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। राजद के विधान परिषद में 8 सदस्य थे और एक साथ 2/3 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। विधान परिषद के सभापति ने इस गुट को मान्यता दे दी है। अब विधान परिषद में राजद के केवल 3 सदस्य बचे हैं। जदयू के करीबी सूत्रों की कहना है कि आने वाले दिनों में राजद के कई बड़े नेता हमारी पार्टी में शामिल होंगे। यह तो बस शुरुआत है। कई नेता लगातार संपर्क में बने हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद में यह बड़ी टूट है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संजय प्रसाद जदयू के ललन सिंह के काफ़ी करीबी थे। उनका जाना पहले से तय था। इसके अलावा जदयू ने कमरे आलम को तोड़कर मुस्लिम वोटों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की है। बाकी 4 नेता भी लगातार तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे थे और पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे। ऐसे में उन चारों का भी राजद छोड़ना लगभग पहले से तय था। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा, नेता सुरक्षित सीट देखते हुए तेज़ी से पाला बदलेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये टूट हुई है, यानी कि राजद की बात करें, जिस तरीके से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये टूट जो है एक बड़ी टूट मानी जा रही है और शायद इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि 5 MLC का इस तरीके से चुनाव के दौरान किसी और अन्य पार्टी में शामिल हो जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद RJD का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है और उनकी जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, जो मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ स्थिति में चल रहा है, जिसके चलते बड़े बड़े RJD के नेता इस प्रकार के फैसला ले रहे हैं कि किसी और पार्टी में MLC रहने के बावजूद भी शामिल हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर क्या है, आगे चुनाव में क्या पड़ता है और इनके जाने पर क्या RJD को सही में नुकसान पहुँचता है, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।